नंबर थ्री बेटा, फिगर 12.3 डिस्पेक्ट्स एन आरसी टारगेट मेक मार्क विद इट्स फाइव स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक एंड वाइट। क्या कहता है कि एक ये क्या है आरसी टारगेट का फिगर हमें गिवन है और उसमें क्या है सेंटर से आउटसाइड की तरफ सेंटर में क्या है गोल्ड फिर रेड फिर ब्लू फिर ब्लैक एंड फिर वाइट पोर्शन। ये क्या है होते हैं स्कोरिंग पोर्शन होते हैं जो धनुष वगैरह चलाते हैं उनके लिए। ठीक है बेटा, द डायमीटर ऑफ रीजन रिस्पेक्टिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है किसका गोल्ड रीजन का वो कितना है 21 सेंटीमीटर है। एंड ईच ऑफ अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। जो बाकी के हैं वो क्या है सारे के सारे 10.5 वाइड है। कितने हैं 10.5 सेंटीमीटर वाइड हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ फाइव स्कोरिंग रीजन। पांचों के पांचों स्कोरिंग रीजन का हमें क्या फाइंड आउट करना है एरिया फाइंड आउट करना है। तो इधर देखेंगे बेटा, ये मैंने क्या बना लिया है एक फिगर बना लिया है। गोल्ड का जो डायमीटर था वो कितना था 21 सेंटीमीटर। तो अब उसकी रेडियस क्या हो जाएगी अगर डायमीटर 21 है तो डायमीटर कितना है 21 सेंटीमीटर ऑफ गोल्ड। ठीक है बेटा, डायमीटर ऑफ गोल्ड कितना है 21 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगी रेडियस ऑफ गोल्ड 21/2। तो कितनी आ गई हमारे पास 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10.5 सेंटीमीटर। कितनी आ गई हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर। तो जो गोल्ड की रेडियस है वो कितनी है 10.5 सेंटीमीटर है। अब क्या कहता है कि जो बाकी के रीजन हैं वे भी कितने हैं कितने वाइड हैं 10.5 सेंटीमीटर। मीन्स ये भी 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10.5 और ये भी 10.5। ठीक है बेटा, तो अब जो गोल्ड की है उसको हमने मान लिया क्या R1, इसको क्या मान लिया R1। ठीक है बेटा, और दूसरी को हमने क्या मान लिया जो रेड की है उसको क्या मान लिया हमने R2, ये क्या है R2। और जो थर्ड ब्लू की है उसको क्या मान लिया R3, इसको क्या मान लिया हमने R3। ठीक है बेटा, और जो नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है ब्लैक उसकी उसको हमने क्या मान लिया R4, इसको हमने क्या मान लिया R4। ठीक है बेटा, अब जो लास्ट वाली बची हमारी वाइट वाली उसको हमने क्या मान लिया R5। जो लास्ट वाली है उसको हमने क्या मान लिया R5। ठीक है बेटा, अब जो फर्स्ट वाली है फर्स्ट की रेडियस कितनी होगी 10.5 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी 10.5 सेंटीमीटर। जो सेकंड वाली है उसकी कितनी होगी 10.5A और 10.5A। तो कितना हो गया दोनों को ऐड करेंगे तो 21। कितना हो गया 21। अब थर्ड वाली में फिर से ऐड करना है 21 + 10.5 तो कितना हो गया 31.5 हो गया। अब जो फोर्थ वाली है फोर्थ वाली में फिर से हमें कितना प्लस करना है 10.5 तो 31.5 + 10.5 कितना हो गया 42। अब जो फिफ्थ वाली है फिफ्थ वाली में फिर से हमें क्या ऐड करना है 10.5 ऐड करना है ये वाला तो कितना हो गया 52.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये हमारे पास रेडियस सभी की हमने फाइंड आउट कर ली। ये मैंने ऐसे फाइंड आउट की है, अभी लिखते हैं रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन।
हमने उसको क्या नाम दिया R1, और कितनी है 10.5 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ गोल्ड के बाद क्या है रेड, रेड रीजन हमने उसको क्या नाम दिया R2, वो कितनी आई 10.5 प्लस 10.5 21 सेंटीमीटर। फिर रेडियस ऑफ नेक्स्ट क्या था ब्लू रीजन, ब्लू रीजन आर थ्री, आर थ्री की कितनी आई 21 प्लस 10.5 31.5 सेंटीमीटर। फिर ब्लैक रीजन आर फोर, उसको उसकी कितनी आई 31 प्लस 0.5 प्लस 10.5 42 सेंटीमीटर। फिर रेडियस ऑफ वाइट रीजन, उसको नाम क्या दिया हमने आर फाइव, उसको क्या नाम दिया हमने आर फाइव, वो कितनी आई हमारे पास 52.5 सेंटीमीटर। ये हमने अभी अभी फाइंड आउट की थी, तो वही हमने क्या लिख ली है अपनी। अब जो गोल्ड वाला पोर्शन है वो तो क्या ये पूरा का पूरा है बेटा, ये तो क्या है गोल्ड का रीजन है, ये कैसा है हमारा गोल्ड रीजन है, तो ये कैसा है पूरा का पूरा है, ये क्या है हमारा गोल्ड रीजन है। ठीक है बेटा, सो गोल्ड रीजन क्या तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, ये क्या है सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर, आर कौन सी है आर वन, आर वन स्क्वेयर 22/7 इंटू आर वन कितनी है 10.5 इंटू 10.5 अपॉन 10, डेसिमल रिमूव करने के लिए यहाँ से भी डेसिमल रिमूव करना, तो अपॉन 10, 7 से ये कट किया तो कितना आ गया 15, 7 जा कितने होते हैं 105, तो 15 आ गया, 5 से कट किया 5, 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से ये कट किया 11, 11 2 जा 22। ठीक है बेटा, सो 11 की मल्टीप्लाई इससे करती पहले 11, 5 जा 55, 11 1 जा 11 इंटू 3 अपॉन 10, मैंने 10 को कट नहीं किया बेटा क्योंकि प्रॉपर कट नहीं होगा, फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसलिए मैंने 10 को कट नहीं किया। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 1 16, 3 1 जा 3 एंड 1 4, 3 1 जा 3 अपॉन 10, तो क्या आ गया हमारे पास 3 4 6, एक जीरो तो कितने डिजिट पहले डेसिमल आ जाएगा एक डिजिट पहले 0.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर, सेंटीमीटर स्क्वेयर क्या आ गया हमारे पास 3, 4, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये तो किसका आ गया गोल्ड का रीजन आ गया, ये किसका आ गया गोल्ड का रीजन। ठीक है बेटा, अब हमें किसका निकालना है एरिया ऑफ, नेक्स्ट क्या है रेड है, एरिया ऑफ रेड रीजन। अब देखेंगे बेटा, उससे पहले कुछ समझ लेते हैं। अब एरिया ऑफ रेड रीजन तो सिर्फ ये वाला है बेटा, अगर हम पूरी को निकाल ले पूरे सर्कल का, जैसे हमने क्या ले ली अपनी 21 सेंटीमीटर ले ली, आर टू कितनी थी 21 सेंटीमीटर ले ली, तो क्या आ जाएगी पूरे की आ जाएगी, जिसमें क्या हमारा गोल्ड भी काउंट हो जाएगा। लेकिन गोल्ड तो हमें काउंट करना ही नहीं, हमें तो क्या फाइंड आउट करना है रेड का एरिया फाइंड आउट करना है, तो रेड का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या माइनस करना पड़ेगा गोल्ड का एरिया माइनस करना पड़ेगा, गोल्ड का एरिया माइनस करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो एरिया ऑफ रेड क्या होगा वैसे तो पाई आर टू स्क्वेयर, रेड रेड की रेडियस क्या है आर टू है, तो आर टू स्क्वेयर सर्कल के लिए, लेकिन उसमें से किसका माइनस करना पड़ेगा गोल्ड का, गोल्ड का कितना है पाई आर वन स्क्वेयर। अब इसमें से क्या कॉमन निकालें पाई कॉमन निकालें, तो क्या आएगा हमारे पास आर टू स्क्वेयर माइनस आर वन स्क्वेयर, आर टू स्क्वेयर माइनस आर वन स्क्वेयर।
ठीक है बेटा। तो अब पाई इधर देखेंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर आइडेंटिटी लगाई हमने, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो क्या हो गया हमारे पास ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही होती है हमारी आइडेंटिटी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही आइडेंटिटी होती है। हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, आइडेंटिटी अप्लाई करने से आपकी मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाएगी बेटा। सो पाई की वैल्यू 22/7, अब क्या करेंगे हम वैल्यू पुट कर देंगे अपनी, आर टू की वैल्यू कितनी थी 21 प्लस आर वन की वैल्यू कितनी थी 10.5, आर टू की वैल्यू 21 माइनस 10.5, तो क्या आ गया 22/7 इंटू 22/7 इंटू 21 प्लस 10 31.5 इंटू 21 माइनस 10.5 10.5 अपॉन, डेसिमल रिमूव करने के लिए अपॉन 10, यहाँ पे भी अपॉन 10, 7 से इसको कट करेंगे तो फिर से किस पे जाएगा 15 पे, फिर से इसको कट किया 5 3 = 15, 5 2 = 10, 2 से कट किया 11, 11 की मल्टीप्लाई इसके साथ 11 5 = 55, 11 1 = 11 एंड 5 16, 11 3 = 33 एंड 1 34 अपॉन 10 इंटू 3। अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे 3 से, 3 5 = 15, 3 6 = 18 एंड 1 19, 3 4 = 12 एंड 1 13, 3 3 = 9 एंड 1 10 अपॉन क्या है 10 है, तो क्या आंसर आ गया 1039। 10 है तो एक डिजिट पहले क्या आ जाएगा हमारा डेसिमल सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एरिया ऑफ रेड रीजन हो गया, अब हमें किसका निकालना है नेक्स्ट, एरिया ऑफ ब्लू रीजन, ठीक है बेटा, हमें किसका निकालना है अब एरिया ऑफ ब्लू, एरिया ऑफ ब्लू रीजन निकालने के लिए अब थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा यहीं पे, ठीक है। जैसे हमने क्या निकाला था, रेड का निकालने के लिए गोल्ड का माइनस किया था, अब ये सारा का सारा क्या है, वैसे देखें तो रेड और गोल्ड प्लस है, रेड और गोल्ड प्लस है, लेकिन अगर सर्कल में देखें तो आर टू है, रेडियस कितनी है आर टू है, और ब्लू की कितनी है आर थ्री है, ब्लू की कितनी है आर थ्री है, और जो हमें माइनस करना है उसकी रेडियस कितनी है आर टू है। तो बिल्कुल सेम इसी वे में जैसे हमने आर टू रेड रीजन निकालने के लिए गोल्ड का माइनस किया था, अब आर वन माइनस किया था, आर वन स्क्वेयर माइनस किया था, अब आर थ्री निकालने के लिए क्या माइनस करना पड़ेगा आर स्क्वेयर माइनस करना पड़ेगा, आर टू माइनस करना पड़ेगा, आर थ्री निकालने के लिए आर टू माइनस करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। जैसे हम क्या अपना कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, रिंग का फार्मूला लगा रहे हैं, जब हमें रिंग फाइंड आउट करना होता है तो क्या करते हैं हम बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करते हैं, पाई आर बिग आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर, ये क्या होता है हमारा रिंग का फार्मूला होता है। अब बिग आर की जगह क्या है हमने नेम दे रखे हैं आर वन आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव इस तरह से, तो अब ब्लू वाले का निकालने के लिए ब्लू कितनी है आर थ्री है, तो बड़े वाला क्या हो गया आर थ्री हो गया और छोटे वाला क्या हो गया आर टू हो गया, ठीक है बेटा। ब्लू में से ये सारा का सारा क्या कर देंगे माइनस, और ये सारा का सारा माइनस करने के लिए इसकी रेडियस कितनी थी आर टू थी, तो आर थ्री में से किसकी रेडियस वाला एरिया माइनस होगा आर टू वाला, ठीक है बेटा। तो फिर से यहाँ पे क्या आ गया पाई आर थ्री स्क्वेयर माइनस आर टू स्क्वेयर, आर थ्री माइनस आर टू स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई, फिर से ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की हम आइडेंटिटी अपनी अप्लाई कर देंगे, तो आर तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है बेटा। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर थ्री की वैल्यू क्या थी हमारे पास, आर थ्री की वैल्यू थी 30
1.5, आर टू की 21, सो 31.5 प्लस 21 एंड 31.5 माइनस 21, सो 22/7 इंटू, इनको ऐड करेंगे तो 52.5 इंटू, इनको माइनस करेंगे तो 10.5, अब डेसिमल रिमूव करने के लिए अपॉन 10, ये फिर से कट हो जाएगा 15 पे, 3 से 5, 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से 11, 11 की मल्टीप्लाई इससे, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 एंड 5 27, 11 5 जा 55 एंड 2 57 इंटू 3 अपॉन 10, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 एंड 122, 3 7 जा 21 एंड 223, 3 5 जा 15 एंड 217 अपॉन 10। अब एक डिजिट पहले क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक डिजिट पहले, डेसिमल, तो कितना हो गया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर, सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, अब एरिया ऑफ ब्लैक रीजन के लिए सेम वही मेथड बेटा, अब आर थ्री माइनस आर टू था ब्लैक के लिए, ब्लैक की रेडियस क्या है आर फोर है, और उससे पहले वाले क्या थे ब्लू वाले थे, उससे पहले वाले क्या थे ब्लू वाला था, कौन सा था ब्लू वाला, ये कौन सा था ब्लू वाला, तो ब्लू वाले की रेडियस कितनी थी आर थ्री, तो आर फोर में से क्या माइनस करेंगे आर थ्री का एरिया, ठीक है बेटा, आर फोर में से क्या माइनस करेंगे आर थ्री का, बिल्कुल सेम वही फार्मूला रिंग का। अब हमारा बिग आर क्या है, बिग आर क्या है आर फोर, आर फोर स्क्वेयर माइनस आर थ्री स्क्वेयर, तो क्या आ जाएगा पाई इंटू इस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, अब क्या करनी है वैल्यू पुट करनी है 22/7 इंटू आर फोर की वैल्यू कितनी थी 42 प्लस आर थ्री की वैल्यू कितनी थी 31.5, 42 माइनस 31.5, 22/7 इंटू, इनको प्लस करेंगे तो 73.5, इनको माइनस करेंगे तो 10.5, डेसिमल रिमूव करने के लिए अपॉन 10, 7 से कट किया 15 पे, 5 से कट किया 3, 5 2 जा 10, 2 से कट किया 11, 11 की मल्टीप्लाई 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 एंड 5 38, 11 7 जा 77 एंड 80 इंटू 3 अपॉन 10, 3 से कट मल्टीप्लाई किया 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 8 जा 24 एंड 125, 0 थी 2 एज इट इज़, 3 8 जा 24 अपॉन 10, सो आवर आंसर इज 2425, कितने डिजिट पहले डेसिमल 1.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब रह गया सिर्फ वाइट का, वाइट का निकालने के लिए अब बिग आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आर फाइव, स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आर फोर, तो ये खुद से ट्राई करेंगे, वाइट वाला खुद से ट्राई करेंगे बेटा, ओके थैंक यू।